इस दुनिया के अंदर हम आए हैं। इंसान कहीं भी जाता है तो उसके जाने का कोई ना कोई मकसद होता है। इंसान अच्छा हो या बुरा, बगैर मकसद के वो कहीं नहीं जाता। इसी जलसे को ले लें, शोरा इसलिए आए कि नात और मनकबत सुनाएंगे, एक मकसद है। आप इसलिए आए कि खिताबात और बयानात सुनेंगे, एक मकसद है। कि पीर साहब इसलिए तशरीफ लाए कि दुआएं देंगे, एक मकसद है। गर्ज के इंसान कहीं भी जाता है तो जाने का एक मकसद होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जहां जाते हैं कोई ना कोई मकसद लेकर जाते हैं और मकसद के तहत आते जाते हैं। अल्लाह अकबर, हर जगह इंसान किसी न किसी मकसद के तहत जाता है, किसी न किसी मंसूबे के तहत जाता है। और जो बगैर मकसद के जाए, बगैर मंसूबे के जाए, उसको कुछ हासिल नहीं होता, उसको कुछ नसीब नहीं होता। अब आप मुझे बताएं, महफिलों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, दावतें वलीमा में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, शादी में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, मैयतों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, बाजारों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, हर जगह मकसद लेकर जाते हो। कभी सोचा भी मुसलमानों, इतनी बड़ी कायनात में आए हो, इतनी बड़ी दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आने से पहले माँ के शिकम में थे, उससे पहले बाप की पीठ में थे, उससे पहले आलम अरवाह में थे, उससे पहले अल्लाह अकबर, इल्म इलाही का मामला है जिसकी बहुत ज्यादा तशरीह यहाँ करने का ना मौका है ना जरूरत है। आप मुझे बताएं, इल्म इलाही से सफर शुरू होता है आलम अरवाह, आलम अरवाह से बाप की पुश्त, बाप की पुश्त से माँ का पेट, और माँ के पेट के बाद ये दुनिया। अब आप मुझे बताएं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, आने का मकसद क्या है? कभी सोचा भी कि आने का मकसद क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इस दुनिया के अंदर क्या यूं ही आ गए? इस दुनिया के अंदर क्या खेल कूद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या हंसी मजाक करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या टाइम पास करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या खेल कूद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या जिना के अड्डों को आबाद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या शराब के अड्डों को आबाद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्यों आए? आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने इतनी वसी अरीज दुनिया के अंदर हमें क्यों भेजा? और ये भी याद रखना, यहाँ भेजा तो मुस्तकिल नहीं भेजा, परमानेंट नहीं भेजा, यानी हमेशा नहीं रहोगे। अपनी जिंदगी की मियाद मुकम्मल करने के बाद इस दुनिया से कूच करना है। जैसे माँ के पेट में हमेशा नहीं रहे, जैसे बाप की पीठ में हमेशा नहीं रहे, जैसे आलम अरवा में हमेशा नहीं रहे, उसी तरह दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। इसके बाद फिर कुछ करना है, मुसलसल सफर है। इसके बाद अल्लाह अकबर कब्र में जाओगे, कब्र में भी हमेशा नहीं रहना है। अल्लाह अकबर, फिर मैदाने महशर में जाओगे, मैदाने महशर में भी हमेशा नहीं रहना है। हमेशा रहने की दो जगह है। अब उसी का जिक्र सुने और बात मुकम्मल हो और बात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़े। अल्लाह अल्लाह, मंजिलें दो हैं, सबकी मंजिलें दो में से कोई एक है, और ये दुनिया में इसलिए आए हैं कि आखिरत की दो मंजिलें हैं और दुनिया में उसका सिलेक्शन करना है, दुनिया में उसको सिलेक्ट करना है। इस दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा कि तुम कौन सी मंजिल को पसंद करते हो। मंजिलें दो है, अंबिया को इसलिए भेजा ताकि दोनों मंजिलों को वाज़े तौर पे बयान कर दिया जाए। अल्लाह हु अकबर, रसूल आजम के सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाकर इसलिए भेजा ताकि मंजिलों को वाज़े कर दे। सहाबा ने भी मंजिलों को वाज़े किया, अख्ताब ने भी मंजिलों को वाज़े किया, अकबास ने भी मंजिलों को वाज़े किया। मंजिलें दो हैं, अब चुनना आपको है, आपके हाथ में सिलेक्शन है, आप किसको चुनते हो, कौन सी दो मंजिलें हैं। एक मंजिल को जन्नत कहते हैं, एक मंजिल को जहन्नम कहते हैं। अब दोनों में से किसी एक को चुनना है। अल्लाह अकबर, जन्नत क्या है उसका थोड़ा सा इशारा आपकी खिदमत में, अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। जन्नत क्या है? जन्नत उसको कहते हैं जहाँ राहत ही राहत है, जन्नत
उसको कहते हैं जहां आराम ही आराम है, जन्नत उसको कहते हैं उसके हुस्न का आलम यह है, जन्नत की खूबसूरती का आलम यह है कि यहां कोई बाग जन्नत के हुस्न की तरह नहीं। यहां शफक का जमाल हो, उफक की सुर्खियां हो, कुमरियों की आवाज हो, तितलियों का बागपन हो, आबशारों का गिरना हो, समुंदरों की तुगयानी हो, दरियाओं की रवानी हो, कुलों का तबस्सुम हो, सूरज की किरणें हो, चांद की चांदनी हो, माँ की ममता हो, बाप की शफकतें हो, लोगों का हुस्न जमाल हो। यहाँ के खाने वहां के खानों की तरह नहीं, अल्लाह अकबर, यहाँ के खानों की हैसियत वहां के खानों की तरह नहीं। यहाँ ज्यादा खा लो तो बदहजमी हो, वहां कितना भी खाओगे कोई बदहजमी नहीं होगी। अल्लाह अकबर, यहाँ खाना है तो कमाना जरूरी है, वहां कमाने की कोई जरूरत नहीं है। जन्नत के बारे में मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, इंसान सिर्फ तमन्ना करेगा कि मुझे ये चाहिए, अल्लाह अल्लाह। बल्कि हदीस पाक में आता है, कोई परिंदा उड़ के जा रहा होगा, उस परिंदे के हुस्न को देखकर इंसान जन्नत में सोचेगा, काश मैं इसको खाता, तो वो परिंदा भुना हुआ आपके सामने मौजूद होगा, आप उसको जितना खाना चाहेंगे खाएंगे, फिर छोड़ देंगे, तो उसको डस्टबिन में डालने की जरूरत नहीं, उसको हटाने की जरूरत नहीं, उसको फेंकने की जरूरत नहीं। उड़ता परिंदा तमन्ना किया कि मुझे खाना है, भुन कर आ गया, जब आपने खा लिया उसके बाद आप सैर हो गए, फिर वो उड़ता हुआ चला गया। अल्लाह अकबर, जन्नत ये है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ की शराब कोई पिए तो पीने वाले के सर में दर्द होता है, पीने वाला बीमार पड़ता है, उसके फेफड़े सड़ जाते हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होता है, लेकिन वहां भी एक शराब है। यहाँ की शराब नापाक है, यहाँ की शराब पेशाब की तरह गंदी है, वहां की शराब शराब तहूर है, उसमें लज्जत है, उसमें इज्जत है, उसमें अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, उसके अंदर जलवों की रानाई क्या है, अल्लाह अकबर। और फिर जन्नत कैसी है, उसकी जमीन मुश्क की है, उसकी इमारतें सोने और चांदी की ईंटों की है, उसके जो रेगजार जो है याकूत और जबरजद के हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर जन्नत का नक्शा खींचा जाए तो उसका तसव्वुर ही नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, यहां पर इंसान तवज्जो करना, यहां पर तुम्हारे घर कोई आता है, अगर तुम्हारे दिलों में मोहब्बत रसूल है तो गौर से सुनो, यहां तुम्हारे घरों में कोई आता है तो अल्लाह अकबर, तुम उसको पानी देते हो, लेकिन पानी हाथ में देते हो, शरबत हाथ में देते हो, चाय का गिलास हाथ में देते हो, मगर कुर्बान जिसे जन्नत कहते हैं मुसलमानों, वहां एक हौज है जिसे हौज कौसर कहते हैं, और हौज कौसर का साकी कोई और नहीं है, वो तुम्हारे और मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत है। जब हम जन्नत में जाएंगे तो हुजूर अपने गोरे गोरे हाथों से हौज कौसर का जाम अता करेंगे। आका फरमाते हैं, वो जो जाम पिएगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और फिर सुनियो, सिर्फ हुजूर नहीं पिला रहे होंगे बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, मेरे हौज कौसर के चार कोने हैं, एक पर अबू बकर है, एक पर उमर है, एक पर उस्मान है, एक पर अली है, गोया नबी भी पिला रहे हैं, चार यार भी पिला रहे हैं, हसन हुसैन भी पिला रहे हैं। इसीलिए हुजूर उज्जतुल इस्लाम कहते हैं, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जरा तमच्चा करो। अनस मियां अगर पिला दे तो कितना मजा, बाबा उस बैसक सुभान अल्लाह, सारी एहसान पिलाए तो कितना मजा। जब ये लोग पिलाए तो आदमी बोला कि मैं अपने मुकद्दर, अरे झूठा झूठा मिल जाए तो आदमी कहते अपने मुकद्दर पे नाश करता हूं, पीर का मिल गया, ताज शरिया का जूता मिल गया, बादशाह इस्लाम का जूता मिल गया, उवैस मियां का जूता मिल गया, सैयदी सरकार ताजुल मशायख हुजूर अमीन मिल्लत का जूता मिल गया। हैं, इंसान ये सोचता जूता मिलने पर इतने मजे हैं, हैं, हाथ से पिलाए तो फिर कितना मजा, और ये लोग पिलाए तो इतना मजा। जन्नत उसको कहते हैं
इमाम हसन अपने हाथ से पिला रहे हैं। सुभानअल्लाह। जलसे वालों अच्छी तरह याद रखना, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर दो जुमले पे आपको कहूं बोलो सुभानअल्लाह, ये नहीं। ये तो आपकी बात है कि आपको समझ में आए तो आपको कहना है, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कोई बात सही कह रहा हूं तो आपको कहना है, वरना यहाँ जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इसलिए कि मुशायरे की फिलहाल ये महफिल नहीं है, मुशायरा भी बाद में होगा जिसमें आपको सुनना है, लेकिन बहरहाल इस वक्त बात क्या है, अंदाजा करो जन्नत वो मकाम है, इमाम हसन पिला रहे होंगे, और क्या पिला रहे होंगे, चाय वगैरह नहीं बल्कि हौज़े कौसर का जाम पिला रहे होंगे। इमाम हुसैन जिनकी महफिलें सजा सजा कर दुनिया में या हुसैन के नारे लगाते हो, वो क्या मजे का दिन होगा जब हुसैन पाक हमारे सामने होंगे, हम हुसैन पाक के सामने होंगे, कितनी कुर्बतें होगी वो पिला रहे होंगे, हम पीते जा। क्या वक्त होगा वो जन्नत का, कैसे मजे होंगे वो जन्नत। सिद्दीक अकबर पिला रहे हैं, फारूक आजम पिला रहे हैं, उस्मान गनी पिला रहे हैं, मौला अली पिला रहे हैं, और हुजूर मौजूद हैं, हुजूर भी पिला रहे हैं। यहां पर आला हजरत मगर एक बात कह देते हैं, कहते हैं सब पिला रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ पीने पे इक्तफा नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा आप मुझसे बात करें। हाय हाय हाय, यही मेरे रजा का कमाल है कि वो इश्क की बात करता है, अपने फायदे की बात नहीं करता। कहते सब पी रहे होंगे, वो पिला रहे होंगे, मैं कहूंगा ना। कहते शरबत ना दे, ना दे शरबत, ना दे ना दे, तेरी रूयत हो खैर से। रूयत कहते देखने को, या रसूल अल्लाह हौज़े कौसर का शरबत तो चाहिए चाहिए लोगों को, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। क्या कहते हैं, शरबत ना दे ना दे, तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अगर जन्नत की बात करूं तो पूरा जलसा खत्म हो, लेकिन जन्नत का जिक्र खत्म ना। हाँ, अभी तो हौज़े कौसर पर आए, अभी कौसर की बात हो रही, लेकिन आदमी तमन्ना करे कि मुझे गौस पाक से मिलना है, उसको उठा के फौरन गौस पाक के पास पहुंचा दिया जाए। आदमी तमन्ना करे गरीब नवाज की रूयत होनी चाहिए, उसको वहां पहुंचा, यानी जिससे मिलना चाहो अल्लाह उससे मिलाएगा। अम्मा अब्बा से मिलना चाहो अगर वो जन्नत में, तो उनसे मिलाएगा, बीवी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। और एक एक हूर जन्नत की इतनी खूबसूरत है, फरमाया कि अगर वो अपने कंगन को दुनिया में यूं कर दे तो उसकी चमक से सारी दुनिया के इंसानों की आंखें खत्म हो जाए, ऐसे चमकदार उसके कंगन है उसे। और एक बात कहूं, फिर कहता हूं, जन्नत मेरा इस वक्त उनवान नहीं, मुझे तो कुछ और बात करनी है आपसे। उसमें रसूलुल्लाह का भी दीदार, सहाबा का भी दीदार, नबियों का भी दीदार, बड़ी बात यह है जन्नत में खुदा का भी दीदार। अल्लाह कितना हुस्न वाला है, तवज्जो तो करे ना, जब उसका महबूब इतना खूबसूरत है, उसका महबूब कितना खूबसूरत है। मेरे इमाम कहते हैं, लम याति नजीरु का फी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तो रे सर सोहे, है तुझको शहे दो सना जाना, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, हत हाले मा जुल्फ अबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन पर साजा। उसका महबूब कितना खूबसूरत है, करे चारा साजी जियारत किसी की, परे जख्म दिल के मलाहत किसी की, महबूब कितना खूबसूरत है, वो कमाल है उसने हुजूर है कि कुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान है।
नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। कितना जब महबूब इतना हुस्न वाला है तो उनको बनाने वाले खुदा के हुस्न का आलम क्या हो, उसके हुस्न का आलम क्या होगा। साहबा पूछते हुजूर हम अल्लाह का दीदार जन्नत में कैसे करेंगे। आका फरमाते जैसे आसमान पे चांद देखते हो तुम वैसे अपने अल्लाह का दीदार करोगे। ये जन्नत है, कौन चाहता है क्या चाहता है आपकी मर्जी पे। हमने तो बयान कर दिया जन्नत, लेकिन एक हिस्सा भी नहीं हुआ। जिंदगियां खत्म हो कुछ नहीं हो सकता, तसव्वुर में नहीं आ सकता। इन्नल अबरार लफी नईम, जन्नत है किसके लिए? अबरार के लिए, नेकों के लिए जन्नत। आपकी मर्जी पे छोड़ा, दुनिया में इसलिए भेजा। अगर आपकी तकलीर होती रही तो मेरी नहीं हो सकेगी। जब कई लोग बोलते हैं तो तकरीर नहीं होती है, मुनाजरा होता है। मैं मुनाजिर नहीं हूं, मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तो वास करने आया हूं। तो अगर आप भी बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा, है ना। हाँ, आप कोई किसी को खामोश ना करे, ये तो आपकी मर्जी पे है कि हुजूर के जिक्र के वक्त आप बोलते हैं या खामोश रहते हैं। आपका इश्क रसूल कितना उसका इम्तिहान होता है। यहाँ आप खड़े हैं मेरी, मैं आपकी जे वो कदर करता हूँ। अल्लाह आपकी, आपने अल्लाह रसूल की मोहब्बत में खड़े हैं। कयामत के दिन अल्लाह आपको खड़े रहने से बचाए। थोड़ा सा तवज्जो फरमाए, एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه। दुरूद शरीफ पढ़ने का आ गया मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ पढ़ो। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم। जन्नत का हुस्न कोई बयान नहीं कर सकता। लोग कश्मीर देख करके कहते हैं क्या खूबसूरत है कश्मीर। हमने कहा जन्नत का उतरन है कश्मीर। जब उतरन का ये हाल है तो असल का हाल क्या होगा। इकबाल कहते हैं अगर खुलते बरी रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। कश्मीर का टुकड़ा कह रहा है कि अगर जमीन पे जन्नत है तो फिर वो मैं हूं मैं हूं मैं हूं। आप अंदाजा फरमाए जब कश्मीर के हुस्न का ये आलम है, शिमला मसूरी के हुस्न का ये आलम है, तो जन्नत के हुस्न का आलम क्या होगा। लेकिन दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम सिलेक्ट करें कि जन्नत में जाना है कि जहन्नम में। ये है जन्नत, फिर इशारा दिया सिर्फ। ये तो जब जाएंगे तब पता चलेगा, जन्नत में जाके भी लोग पछताएंगे। इसलिए जन्नत में जाके पछताएंगे कि उनको ये लगेगा कि यार मैंने कम अमल किए तो इतनी अच्छी जगह आया, अगर और अच्छा अमल करता तो कितनी बुलंद जन्नत में जाता। क्योंकि जन्नत सबकी यकसा नहीं होगी, जन्नत के अलग अलग दर्जे होंगे। जो सबसे अदना दर्जे का जन्नती है, यानी सबसे छोटा जन्नत का हकीर फकीर छोटा जन्नती। हालांकि जन्नत का हकीर फकीर वो हकीर फकीर नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए सबसे छोटा हकीर फकीर जो अदना दर्जे का जन्नती है उसको अल्लाह कितनी बड़ी जन्नत देगा। इस दुनिया से 7 दर्जा बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को दी जाएगी। जब सबसे छोटे जन्नती की जन्नत की सोच का ये आलम है तो आला दर्जे के जन्नतियों की जन्नत का आलम क्या होगा। ये है जन्नत। एक बात आपको कहूं, अल्लाह अकबर, जन्नत की नेमतों का अंदाजा नहीं लग सकता। तो आपको सिलेक्ट करना है दुनिया में कि जाना कहां है, जन्नत में या जहन्नम में। एक ये जन्नत है। अब जरा जहन्नम का जिक्र भी सुन ले, फिर गुफ्तगू अब एंड की तरफ जाएगी। जहन्नम क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जहन्नम क्या है। जहन्नम, अल्लाह अकबर, तो कहा जाता है जहन्नम के लिए अल्लाह अकबर ला बारिदियों वाला करीम, कि वो जो जहन्नम है ना जिसे जहन्नम कहते हैं, वहां ठंडा पानी नहीं मिलेगा पीने को, वहां लज्जत वाला पानी नहीं मिलेगा। बल्कि जहन्नम क्या है, अब थोड़ा दिल के कानों से थोड़ी सी बात सुन लो, अगर वाकई सुनने आए हो तो सुन लो। अल्लाह करे किसी के दिल में उतरे और फायदा हो जाए। सिलेक्ट करने आए हो दुनिया में, दुनिया में क्रिकेट
खेलने नहीं, दुनिया में कबड्डियां खेलने नहीं, दुनिया में सूद के धंधे करने नहीं, दुनिया में किसी का दिल दुखाने नहीं, दुनिया में बदमाशियां करने नहीं, दुनिया में अय्याशियां करने नहीं, दुनिया में इसलिए आए हो आखिरत की मंजिल को चुनना है, इस जहान में इसलिए आए हो कि उस जहान की तैयारी करना है, तुम्हें जन्नती बनना है या जहन्नमी बनना है, यहाँ सिलेक्ट करना है आपको, मंजिल तय करना है आपको, इसलिए कि मंजिल आदमी जो तय करता है उसी के रास्ते पे चलता है। मिसाल के तौर पर किसी को लखनऊ जाना है तो वो लखनऊ ही का रास्ता तय करेगा, किसी को बिलग्राम शरीफ जाना है वो बिलग्राम शरीफ का ही रास्ता तय करेगा, किसी को अजमेरे मोहल्ला जाना है वो अजमेरे मोहल्ला का रास्ता तय करेगा, किसी को किचौचे मुकद्दसा जाना है वो किचौचा शरीफ का रास्ता तय करेगा। अब आप मुझे बताएं, सिलेक्ट करना है रास्ता, रास्ता जो तय करोगे वही मंजिल पर पहुंचोगे। कोई बंदा लखनऊ के रास्ते पर चले और सोचे कि मैं बिलग्राम जाऊंगा कभी पहुंच सकेगा, कोई बंदा जो है अल्लाह हू अकबर वो दिल्ली के रास्ते पर जाए और कहे कि मैं किचौचा शरीफ जाऊंगा वो कभी जिंदगी में पहुंच सकेगा? बड़ी माजरत के साथ, ऐ मेरी कौम के जवानों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम, हमें मंजिल सिलेक्ट करना है, वक्त कम है, टाइम कम है, बांगे तेरा बज चुकी है, सुबह के काफले की घंटी बज चुकी है, मौत की तलवारें तुम्हारे और मेरे सरों पे लटक रही है, पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए, रूह निकाल ले, वक्त खत्म है, एक लम्हे का भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, एक लम्हे के लिए भी कोई पल की गारंटी नहीं दे सकता। जिसकी पल की खबर नहीं वो कल की बातें क्यों करते हैं, जिसकी कल की खबर नहीं अल्लाह अकबर वो मन बरसों के मंसूबे की बातें कैसे करते हैं। मंजिल सिलेक्ट करना है या जन्नत में जाना है जहन्नम में। अब जन्नत का तारुफ तो हल्का सा सुन लिया, जरा जहन्नम का तारुफ भी सुन लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक को मस्तूक गैबदा नबी फरमाते हैं, जहन्नम वो है जहां आग ही आग है, और जहन्नम का हाल ये है अल्लाह अकबर 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है। ये कोई सी मौलवी का कॉल नहीं है मेरे अजीज कि आप मजाक उड़ा लें, किसी सियासी लीडर की बात नहीं है मेरे अजीज कि आप उसको जो है वो रिजेक्ट कर दें, किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां नहीं है, ये उस सादिक को मस्तूक का फरमान है, उस सच्चे नबी का फरमान है जिसकी सच्चाई की गवाही उसके दुश्मन भी देते नजर आते हैं, ये उस सच्चे नबी का कौल है जिसने अपनी मर्जी से कभी बात ही नहीं की, जब भी बोलते हैं तो वही इलाही पर कलाम करते हैं, जबान उनकी होती है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर सबसे हल्का सबसे कम अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा। आपने सबसे छोटे जन्नत की जन्नती की जन्नत सुन ली है, अब जरा सबसे छोटे जहन्नमी की जहन्नम भी सुन ले। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर सबसे कम सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, और वो आग की जूतियां दुनिया की आग की नहीं होगी बल्कि वो आग की जूतियां जहन्नम की आग की बनी होगी। और जहन्नम की आग क्या है? इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग में हरारत है। दुनिया की आग जलती है तो रोशनी होती है, जहन्नम की आग में रोशनी नहीं है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें तारीकी ही तारीकी है, उसमें बदबू ही बदबू है। दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है, और एक रिवायत के मुताबिक उन 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है, और जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां सबसे हल्के अजाब की शक्ल में पैरों में पहनाई जाएगी। और जब जहन्नम की आग की जूती उस हल्के अजाब की शक्ल में जहन्नमी के पैर में पहनाई जाएगी तो उस जहन्नम की आग की जूती का असर उस जहन्नमी के दिमाग पर यह होगा कि उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा
जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खौलने लगता है, जैसे पानी उबलता है पानी, उसी तरीके से इंसान का भेजा उबलेगा। खुदा जिसको जहन्नम में सबसे कम सबसे हल्का अज़ाब देगा उसका भेजा खोल खोल कर उसके पैरों पे गिरेगा। अब आइए ना मेरे भाइयों, सबसे हल्का अज़ाब ये है तो सबसे भारी भरकम अज़ाब क्या होगा। अब आइए अल्लाह अकबर थोड़ा जहन्नम का मुशाहिदा कर लें, तस्वुरात की दुनिया में बैठे बैठे थोड़ा सा जहन्नम का मुशाहिदा कर लें। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे आका अली सलाम के दीवानों, अगर आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें मक्खन लगाऊंगा और कहूंगा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम सुन्नी हो तो तुम जन्नती हो, तुम कादरी हो तो तुम जन्नती हो, तुम बरकाती हो तो तुम जन्नती हो, अगर इसलिए बुलाया था तो माफ कीजिएगा, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं तो बस इतना जानता हूं। सुन्नी कहकर अपने आप को जन्नती होने का तुम गुरूर करते हो, हफ्ते में कितने दिन पाक रहते हो बताओ? जो नापाक रहे वो कौन सा सुन्नी है? जो फजर की नमाज में सोता पड़े वो कौन सा सुन्नी है? अल्लाह हू अकबर, जो जनाबत का गुस्ल हफ्ते हफ्ते भर ना करे वो कैसा कादरी है? बड़ी माजरत के साथ सुन्नियत छूट गई, सुन्नी नजर आ रहे हैं। असल सुन्नियत क्या है आपको बताऊं? असल सुन्नियत क्या है जरा असल सुन्नियत सुन ले। मियां मौजूद है, मौलाना उलमा भी मौजूद है, गलती करूंगा अभी मुझे टोकना, इंशाल्लाह आप मुझे रुकने में जरी नहीं पाएंगे। हमारा मसलक और मजहब जिद नहीं है, अगर तो आप इस्लाह कर सकते हैं, गलती तो इंसान ही से होती है। आपने खतीब के तौर पे इंसान को बुलाया, फरिश्ते को नहीं, लेकिन उलमा की तवज्जो चाहता हूं। मैं इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी दुआएं लेने के लिए तवज्जो चाहता हूं। जरा गौर से सुनना, दिल के कानों से सुनना, रात के तीन तीन चार चार बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, ये मेरी माएं और बहनें बड़े भोले भाले चेहरे लेकर के पर्दे में बैठी हुई है, पाकिस्तानी सीरियलों के अंदर अफेयर का दर्स सीखने वाली मेरी बहनें, बेपर्दगी के साथ घूमने वाली, दुपट्टों को मफलर बना करके फैशन के नाम पर अपने हुस्न की नुमाइश करने वाली मेरी बहनें, कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनते हुए रोटियां खाना पकाने वाली मेरी बहनें, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह हू अकबर, असल सुन्नियत क्या है? सुनो, दुनिया के अव्वलीन सबके सुन्नी सहाबे किराम थे। आइए असल सुन्नियत सुनिए, और आपके सुन्नियत पर वो भी बड़ी माजरत के साथ, कौन सा गावे अकारी एहसान साहब ये है? बिलनपुर वालों ध्यान से सुनो, आप सुन्नियत की बात कर दें, सफी अव्वल के सुन्नी सहाबा थे, यही अपना अकीदा, क्योंकि सारे मकतबे फिक्र बिदती है सिवाय अहले सुन्नत के, क्योंकि सब बाद में पैदा हुए और हमारी कड़ियां सहाबा से मिलती है। सही, अब पहली सब के सुन्नी क्या थे, तुम क्या हो? इसलिए कि मैं यहां बैठ के कह दूं मैं वजीर आजम हूं, मान लोगे? आप कहेंगे दलील दीजिए, हम तो आपको चेहरे से बड़ा शरीफ समझते हैं, आप इतने झूठे निकले, मिंबर पे झूठ बोलते हो, मैं वजीर आजम हूं, दलील क्या है तेरे पास? वजीर आजम वो होता है जिसको लोग चुन कर देते हैं, मुल्क की अक्सरियत जिस पर जो वो ओट का ठप्पा लगा कर कहती है कि ये हमारा वजीर है, यही तो है ना, जिसको दुनिया चुने, मुल्क की अक्सरियत चुने वो वजीर बनता है, यही तो है ना। आपको किसने चुना? हमने तो तुझ जैसे बेइल्म बेअमल को इज्जत के साथ तकरीर के लिए बिठा कर रख दिया, नस्मिया के साथ आया, उनका मुंह देखकर तुझे बिठा दिया, अब तुझे सुरखाब के पर लगे, तेरा दिमाग खराब हुआ? कहता है वजीर तू तो खतीब भी नहीं, तू तो कोई अदीब भी नहीं, कुछ मुहक्किक भी नहीं, लेकिन तू इतना बड़ा दावा करने बैठ गया, तेरे पास दलील क्या है? कोई दलील दे, आप मुझे बताएं, तो मुझे दलील तो देनी पड़ेगी कानून के मुताबिक। ये भी इनकी मोहब्बतें हैं, थोड़ा सा इस तरह से
अब बोलूं आगे बात करूं। सुन लो मेरा भैया, सुन लो, फकीर की सदाए मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं कि मैं आपकी जो तवज्जो अपनी तरफ रख सकूं। मैं फकीर आदमी हूं, चीख पुकार जानता हूं, आओ फुगा जानता हूं। जिसकी कौम का सारा सरमाया लुट गया है, बस वो सिर्फ चीख पुकार रहा, अपने दिल का दर्द पेश कर रहा। थोड़ी देर सुन लो, बड़े अच्छे लोगों, अच्छे लोगों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। एक बार सब बात बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। रब सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्के कुल्ले। आप शोर करते हैं तो बहुत जोर से करते हैं, दुरूद इतनी जोर से नहीं पढ़ते, मुझे शिकायत ही रहेगी। अपने आका पे दुरूद पढ़ लेना जरा बुलंद। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين। तवज्जो करें, पहले सफ के जो सुन्नी है वो सहाबा है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। सफे अव्वल के सुन्नी जो है वो अहले बैत अतहार है, ठीक, इसी पर सुन्नियत की बुनियाद टिकी हुई है, यही असल सुन्नियत है। अब वो कैसे थे हमें अपने आप को जांचना होगा, क्योंकि किसी ना किसी के लिए कोई दलील होती है। आप सुन्नी हैं, क्या दलील है? अब आओ पहले सबके सुन्नी की बात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आधी रात के बाद, तवज्जो करना बहनों की भी तवज्जो, पहले सबके सुन्नियों का अमल, हमारा अमल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सुन्नी नहीं हो, कोई मुफ्ती नहीं हूं कि फतवा लगा के जाऊं, मेरा तो काम ही नहीं, गौस पाक का फकीर हूं। आईना दिखा रहा हूं अपने बारे में, खुद फतवा अपने दिल से लेना, क्योंकि तेरा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। तू कौन? अब तक के आपने कहा तू कौन, तू कौन, तू कौन, तू कौन, सब पे फतवे लगाते रहते, तू कौन तू। अब जरा अपने आप से भी पूछो मैं कौन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तुम्हारी खुद साख्ता सुन्नियत पर तुम्हारे फैसले होंगे या खुदा की मर्जी पे होंगे या रसूलुल्लाह की मर्जी पे होंगे? बड़ी माजरत के साथ जुमले तलख लगे, माफ करना, लेकिन ये दिल का दर्द है जो आपके दिल के दरवाजे पे उंडेला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस का मफहूम इतने मजमुआ के तौर पे निचोड़ के पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुने, मां और बहनों की भी तवज्जो। अल्लाह हु अकबर। अल्लाह के रसूल निस्व शब के बाद बिलाल हबशी को तलब करते हैं, बिलाल इधर आओ, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, ऐ मदीने वालो सोने वालो सोने का वक्त नहीं, मुसल्ले पर रोने वालो रोने का वक्त नहीं, अल्लाह अकबर, बिस्तरों पर लेटने वालों बिस्तर का वक्त नहीं, मुसल्ले पे रोने वालों मुसल्ले का वक्त नहीं, न सोने वालों के लिए सोने का वक्त, न रोने वालों के लिए रोने का वक्त। बिलाल जाओ कहना, अल्लाह के रसूल तुम सबको मस्जिद नबी में बुला रहे हैं। हुजूर क्यों बुला रहे हैं? आका फरमाते हैं मरने के लिए बुला रहे हैं। ऐलान पे तवज्जो करें जरा, हुजूर मरने के लिए बुला रहे हैं, हुजूर मिटने के लिए बुला रहे हैं, हुजूर कटने के लिए बुला रहे हैं, यानी हुजूर जान का नजर लेकर बुला रहे हैं। आप जानते हैं हुजूर खुद नहीं आए दरवाजे पर, जाने कायनात नहीं आए दरवाजे पर, रूहे कायनात नहीं आए दरवाजे पर, अपने मुनादी को भेजा, जाओ बिलाल ऐलान कर दो। बिलाल मदीने मुनव्वरा की गलियों में रात की तारीकी में ऐलान कर रहे हैं, लोगों चलो चलो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तुम्हें जान का नजराना लेकर बुला रहे हैं, चलो अपनी जाने नबी के कदमों पर कुर्बान कर दो। क्यों? इसलिए कि उहद के मैदान में अल्लाह व रसूल के दुश्मन, दीन के दुश्मन, मक्के के गुंडे आकर के खड़े हुए हैं और वो तुम्हारे दिल को मिटाना चाहते हैं, वो तुम्हारे दिल को तबाह करना चाहते हैं, वो तुम्हारे नबी को खत्म कर देना चाहते हैं। चलो जान की नजरें लेकर के हुजूर के कदमों में आ जाओ। जानते हैं तारीख में गवाह, तारीख गवाह है, तारीख के अनमिट नकूश मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, बिस्तर वाले बिस्तर से उठे, हुजूर की बारगाह में दौड़े दौड़े पहुंचे, मुसल्ले वाले मुसल्ले को समेट दिया, हुजूर की बारगाह में दौड़े दौड़े पहुंचे। मुसलमानों, कोई एक बंदा भी ऐसा न रहा होगा जो छुप करके बैठा हो, कोई एक बंदा भी ऐसा न रहा होगा जिसने सरदर्द का बहाना किया हो। उठा कर तारीख देख लें, उठा करके सीरत पढ़ लें, उठा कर हदीस तैयबा का मुताला कर लें। जिस जिसके कान में बिलाल की आवाज पहुंची है, अल्लाह अल्लाह, मुसल्ले वाले मुसल्ले से उठ गए, बिस्तर वाले बिस्तर से उठ गए, रोने वाले रोने से उठ गए, सोने वाले सोने से उठ गए। किसी ने सर के दर्द का बहाना न किया, किसी ने बुखार का बहाना न किया, किसी ने बीमारी का बहाना न किया, किसी ने फाका कशी का बहाना
बहाना ना किया। ये सब की बातें तो अपनी जगह, एक एक की बात बयान हो तो भी घंटे जाएं, लेकिन एक मंजर आपने जवानों को बताना चाहता हूं। लेकिन उसी मदीने मुनव्वरा में एक जवान ऐसा भी था कि जिसकी आज ही आज शादी हुई थी, जिसकी आज ही आज शादी हुई थी, और उस जवान के कान तक भी बात पहुंची। और वो जवान उस वक्त क्या कर रहा था, शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ गुजार रहा था। ज़बाने हया इस बात की इजाजत नहीं देती कि हुजरे अरूसी का मंजर या हुजरे उरूसी के मुतालिक कुछ बातें मैं अर्ज करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा हया के पर्दे में हुजरे अरूसी में होता क्या है, दो दिलों का मिलाप होता है, अजनबी दिलों का मिलन होता है। हिजर के आंगन में वस्ल के फूल खिलते हैं, सारी जिंदगी की तमन्नाओं का चराग उसी वक्त तो रोशन होता है। इंसान दोस्तों को भूल जाता है, इंसान माँ बाप को भूल जाता है, हुजरे अरूसी वो है। अल्लाह हू अकबर, जब दुल्हन से दूल्हा की पहली मुलाकात होती है उस वक्त का वो मंजर, वो समा इंसान पूरी जिंदगी भूल नहीं पाता। मैं सिर्फ इशारों की जबान में कहना चाहता हूँ, किसके दोस्त कहाँ के दोस्त, किसके माँ बाप कहाँ के माँ बाप। आदमी सारे रंजो अलम से बेगाना होकर, इंसान सारी खुशियों को खैराबाद कहकर एक ही खुशियों में डूब जाना चाहता है, लेकिन बस बात इतनी है वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते, वो जानने वाले जानते हैं। अल्लाह हू अकबर, उस रात के लिए 16 साल की जवानी में कदम रखने से लेकर और फिर उस मंजिल पर पहुंचने तक हर दिन मंसूबे बनते हैं, हर दिन मोहब्बतों के शीश महल तामीर होते हैं, हर दिन अकीदतों की दीवारें बुलंद होती है, हर दिन गुलिस्तान के अंदर तसव्वुरात के फूल खिलते हैं। लेकिन अल्लाह हू अकबर, मेरी कौम के जवानों, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जब बिलाल हबशी की आवाज उस पहली रात के दूल्हा के कानों में आई, फौरन बीवी से अलग हुआ। अलग होने के बाद वो जवान जो है अब घर से निकलने लगा, बीवी ने दामन पकड़ा। सिर्फ तसव्वुरात की दुनिया में सोचे, बीवी ने दामन पकड़ा होगा, दामन पकड़ के कहा, मेरे सरताज, मेरी मेरी मोहब्बतों की निशानी, ऐ मेरी जान, आप कहाँ जा रहे हैं, तेरे लिए बाबल का घर छोड़ा, तेरे लिए बचपन की सहेलियां छोड़ी, तेरे लिए ताक भरी गुड़िया छोड़ी, तेरे लिए मैका छोड़ा, तेरे लिए सब छोड़ा, सब रिश्तों को अपने कदमों तले रौंद कर तेरी मोहब्बतों के अंदर मैं तेरे घर तक आई, तू कहाँ जा रहा है। दामन पकड़ कर जब मोहब्बतों ने समेटने की कोशिश की, उस वक्त उसने पलट कर कहा, मेरी जान, मेरी मोहब्बतों के दरमियान रुकावट न बन। जो हमारी मोहब्बत और इश्क के दरमियान रुकावट बनती है, हम उस रुकावटों को पैर से तोड़ दिया करते हैं। उस दुल्हन ने, पहली रात की दुल्हन ने कहा, आपकी मोहब्बतें कौन है, आपके इश्क का मरकज कौन है, मुझे छोड़कर आज कहाँ जा रहे हैं, किसने आवाज दी है। अल्लाह हू अकबर, उसने पलट कर कहा, वो सिर्फ मेरी मोहब्बतों का मरकज नहीं, बल्कि वो तो फरिश्तों की भी मोहब्बतों का मरकज है, वो तो तेरे भी मोहब्बतों का मरकज है, वो तो जिन्नो मलक की मोहब्बतों का मरकज है, बल्कि वो सिर्फ मखलूक का महबूब नहीं है, बल्कि वो तो खालिक का भी महबूब है। मेरे महबूब ने मुझे आवाज दी है, अब देर न कर। कहां जा रहे, कहा हुजूर ने बिलाल को भेजा कि दुश्मन मैदान में डटा है, जाके बुला के लाओ सबको। वो कैसी खातून थी, आजकल की बेटी की तरह होती, खुदा जाने पैर में गिर करके कहती, न जाओ सुबह जाना, सुबह भी तो जा सकते हो, जंग रातों रात थोड़ी हो जाएगी, जंग तो सुबह होगी, सुबह भी जा सकते हो, मदीने से ओहद कितनी दूर है। लेकिन नहीं नहीं, वो लोग ज़बानी आशिक नहीं थे मेरी तुम्हारी तरह, वो उनके ज़बान और दिल अलग अलग नहीं थे, उनका इश्क सिर्फ मिलाद के जुलूस तक महदूद न था, उनका इश्क सिर्फ जलसों की महफिलों की गर्मा गर्मी तक महदूद न था, उनका इश्क 10 रुपए की नोट नाथ खान को देने तक महदूद न था, वो तो दिल की गहराइयों से अपने नबी पर मर मिटना जानते थे। अल्लाह अल्लाह, जब कहा मेरी दी मोहब्बतों की राह में दीवार न बनना, उसने कहा, अच्छा मेरे आका के हुक्म पे जा रहे हो, तो फिर दुल्हन कहती है, ऐ जाने वाले देर न कर, जा जल्दी जा, जल्दी जा, देर न कर, जल्दी जा, जल्दी जा, लेकिन एक वादा करता जा, एक वादा करता जा,
यकीन कितना है इस नाम की बेटी को। आजकल की बेटियां हैं कि आग की बेटियां हैं, इन्हें तो सीरियल के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता, पतली और बारीक कपड़ों के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता, बेपर्दगी मुशरिकों की तरह करते हुए इन्हें हया नहीं आती। आज वो मनोज दिन देखना मिल रहा है कि मुसलमानों की बेटियां औरों का हाथ पकड़ करके जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या दिन आ गए, क्या हालात आ गए, मगर वो कैसी बेटी थी? इसलिए कि उसकी तरबियत फिल्मों के साए में नहीं हुई थी, उसकी तरबियत सीरियलों के साए में नहीं हुई थी, उसकी तरबियत इश्क़े रसूल के माहौल में हुई थी। वहां पर्दादारी थी, वहां वफादारी थी, वहां हयादारी थी, वहां ईमानदारी थी। अल्लाह हू अकबर। उनको तसव्वुरात में किसी अदाकारा की जिंदगी न दी गई थी, उनको तो सैयदा फातिमा के किरदार में ढाला गया था, उनको तो जेवरे फातिमी से आरास्ता किया गया था। उनका तसव्वुर था अगर इस्लाम से वफा करेंगे तो कयामत के दिन के सूरज की गर्मी से अगर औरतों को कोई बचा सकता है तो फातिमतुज़्ज़ारा की चादर तदबीर बचा सकती है। अल्लाह हू अकबर। इसलिए वो औरतें अदाकारा का क्या तसव्वुर कर सकती थी? उस वक्त तो अदाकारा का तसव्वुर था भी नहीं, लेकिन उस दुल्हन ने कहा, पहली रात की दुल्हन ने, जरा कोई सोचे तो सही, एक बहन से कहता हूं, तुम्हारा उम्र में छोटा हूं तो छोटा भाई, बड़ा हूं तो बड़ा भाई, भाई की ऐसे से पूछता हूं, एक शौहर का पहली रात की दुल्हन को आधी रात में छोड़कर जाना एक दुल्हन के दिल पर क्या गुजरती होगी? लेकिन वो दुल्हन पैर में लिपट कर रोती नहीं, कहती जल्दी जा, लेकिन एक वादा करता जा, इसलिए कि जानती हूं जिहाद में जा रहे हो ना, मरने जा रहे हो ना, लुटने लुटाने जा रहे हो ना, जाओ जाओ, अगर वापस आ जाओगे जिंदा तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। अज़्म देखो, अज़्म देखो, अंदाज देखो, वापस आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो जाओगे तो शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाने वाले जा रहे हैं, एक वादा जल्दी से करके जा, आज अकेला जा रहा है, जब जन्नत में जाना तो अकेले मत जाना, मेरा भी हाथ पकड़कर मुझे भी साथ में लेके बाकी जाओ। और फिर अल्लाह हू अकबर, वो पहली रात का दूल्हा मस्त आ गया, मुंह छुपा कर आ गया, मुंह छुपा, मुंह क्यों छुपाया? ख्याल था हुजूर दूल्हे को देखेंगे तो बोलेंगे घर जा, दीन की राह में लड़ाइयां कयामत तक होती रहेगी, बाद में शरीक हो जाना, जा भी जिंदगी के मजे ले। जानते थे हुजूर का दिल कितना नरम है, प्यार वाला है, शफकत वाला है, मोहब्बत वाला है, तो मुंह छुपा लिया, क्यों? कोई देखे ना। लड़ाई शुरू हो गई, 70 शहीद हो गए, उन 70 शहीदों में ये पहली रात का दूल्हा भी था। जब लाश देखी गई तो पानी के कतरे जुल्फों से टपक रहे थे, ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी गुसल दिया हो। सहाबा ने पूछा, आका, बंदा परवर आका, जहां पना आका, आलम पना आका, ये बताएं, आपने तो शहीदों को गुसल देने से मना किया, हंजला को किसने गुसल दिया और इसको किसने नहला दिया? तो मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें नहीं पता, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। शादी की पहली रात गुजार रहा था, बिलाल की आवाज़ सुनकर निकल आया, इतनी देर भी मेरे हुक्म पर अमल करने में गवारा नहीं की कि गुसल कर ले, सोचा गुसल करूंगा तो देर हो जाएगी, आका नाराज ना हो जाएं, तो जल्दी के लिए बगैर गुसल के आ गया और शहीद हो गया। अल्लाह को इश्क की अदा इतनी पसंद आ गई कि इसको फरिश्तों ने गुसल दिया है जन्नत के पानी से, इसको फरिश्तों ने गुसल दिया है जन्नत के पानी से, इसीलिए उनका लकब पड़ गया गसीलुल मलाइका, वो फरिश्ते जिसे गुसल दे। ये पहली सफका सुननी है, तवज्जो करना। असल बात, वाकया तो आपने बार बार सुना होगा, कोई नई बात नहीं, लेकिन ये पहली सफका सुनने, नबी के पुकारने पर खुद पुकारने नहीं गए, अपने मोनादी के बुलाया कि आ जाओ, तो पहली रात की दुल्हन छोड़ के सर कटाने आ गया। मेरे नबी का मोनादी रोजाना 5 मर्तबा अपने मोहल्ले में पुकारता है, आ जाओ। बताओ, सुननी हो ना, वो पहली सफका सुननी, पहली रात की दुल्हन को छोड़कर सर कटाने आ गया, और तुम और हम सर कटाने का तो इस वक्त तो मौका ही नहीं है, सर झुकाने नहीं आते, वो सर कटाने आ गए, हम सर झुकाने नहीं आते, फिर हम किस सुन्नियत पर अमल करते? मुझे बताओ, बताओ, घमंड है, हम सुन्नी हैं, बिल्कुल आप सुन्नी हो, इनकार नहीं करता,
वो कैसा सुन्नी जो नबी की आंख को ठंडक ना पहुंचाए, वो कैसा सुन्नी जिसके लिए रसूलुल्लाह फरमाए जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूं। हुजूर जिससे बेजार हो वो आशिक रसूल होगा। अगर मैं हदीस से हट के बात करूं, आपको हक है बिलनपुर वालों, तुम्हें हक है। अगर मैं हदीस, क्या हदीस में नहीं है अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी मैं हूं मोहम्मद उससे बेजार हूं। आका फरमाते मैं उससे बेजार हूं। आका फरमाते कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका इरशाद फरमाते जिसने शराब पी और नशा किया उसने गोया के मुझे झुटलाया है। कौन से सुन्नी जिसने अब हताश के पत्तों को या जुए को अपने हाथ में लिया गोया उसने अपने हाथों को सुअर के रंग में रंग लिया है। जिसने सूद खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया है। कौन सी सुन्नी है? जन्नत का ख्वाब देखते हो, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकवाओ, मुशरिकीन और यहूदियों की तरह चेहरे बनाओ और फिर सोचो हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा? बड़ी माजरत के साथ रास्ता चुना है जहन्नम का और ख्वाब देख रहे हो जन्नत के। जैसे लखनऊ के रास्ते पे चलने वाला कभी के चौचा शरीफ नहीं पहुंच सकता, बेलग्राम शरीफ नहीं पहुंच सकता, वैसे जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, फिर जन्नत में कैसे पहुंचोगे मेरे भाई? मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है। मुझे बताओ ना, आका बेनमाजी से इतनी नफरत कर रहे हैं कि सहाबा से कहते हैं बेनमाजी के साथ बैठा ना करो। जो नबी बेनमाजी के साथ सहाबा को बैठने से मना करे ये कहके कि उन पर तो आसमान से लानत बरसती है। आका फरमाते उन पर लानत बरसती है। सोने की अंगूठी एक साहब पहन के आगे हुजूर ने चेहरा फेर लिया। सिर्फ सोने की अंगूठी साहबी ने पहन ली तो हुजूर साहबी से मुंह फेर लेते हैं। जिना के अड्डों को आबाद करोगे और हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। मेरा अकीदा है शफात ले अहलिल कबायर मिन उम्मती, मैं शफात का मुनकिर नहीं बल्कि मेरा अकीदा तो यहां तक है कि क्या ही ज़ौक अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुना परहेजगारी वाह। मेरे अजीजों बताओ, मैं अपनी बहनों से भी पूछता हूं, बताओ मेरी बहनों, जब जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब ये है कि पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, जब दुनिया की आग पर हम पैर नहीं रख सकते तो जहन्नम की आग की जूतियां जब पैर में पहनाई जाएगी, ये भेजा खोलेगा तो अपना क्या बनेगा। इसी पे बस नहीं, जरा जल्दी जल्दी अपनी बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचाऊं, इसलिए कि आपको मियां साहब का खिताब भी सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है। तवज्जो, आका फरमाते हमने देखा, आका फरमाते हमने देखा जहन्नम में कुछ औरतें जहन्नम में औंधी लटकी हुई। आका की हदीस ना होती तो मैं बयान ना करता, इसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिख रहे हैं। माँ और बहनों की तवज्जो, फरमाते औरतें जहन्नम में उल्टी औंधी लटकी हुई है नंगी और उनके सीनों को पिस्तान को जहन्नम के बिच्छू डस रहे, जहन्नम के बिच्छू डस रहे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज की आका ही आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। आज एक फैशन है सीरियलों की वजह से माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, डब्बों का दूध पिलाया जा रहा है। बिना उजरे शरई बच्चों को दूध पिलाने से न रुको। बीमारी है, कोई मसला है, कोई हर्ज है, अलग बात है, लेकिन बच्चे को दूध पिलाना इतना कीमती है कि इस्लाम कहता है अगर किसी माँ का बच्चा दूध पीता है और रमजान शरीफ के अय्याम है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे रोजा रखने से दूध खुश्क हो जाएगा, बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, तो इस्लाम कहता है कि उन दिनों माँ को रुख्सत है कि वो रोजा छोड़ दे लेकिन बच्चे को दूध पिलाए। आप गौर करें, रमजानुल मुबारक जैसे महीने का रोजा माँ को छोड़ने की इजाजत है ताकि बच्चा भूखा ना तड़पे, लेकिन आज तो जवान रहने के लिए, देर तक खूबसूरत दिखने के लिए और फैशन के तौर पे बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाए। दूध पिलाने की क्या बरकत है पता है? मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर कतरे के बदले में अल्लाह उसको जिहाद में शरीक होने का सवाब अता फरमाता है और फरिश्ता उसकी पीठ ठोक करके कहता है अल्लाह की बंदी तू आज गुनाह से ऐसे पाक हो गई जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई। आप क्या समझते हैं
दूध पिलाने की बरकत है। और आज तो साइंस भी कह रही है जो माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती उनको सीने का कैंसर होने का खतरा है। सीने का कैंसर आज इसलिए बढ़ गया कि माएं बच्चों को दूध नहीं पिला रही। और मेरी बहनों से कहता हूं, बुरा ना मानना, ये डब्बे के दूध पिलाने से भूख तो खत्म हो सकती है लेकिन मकसद भूख खत्म करना नहीं है, बल्कि दूध पिलाने का मकसद यह है कि माँ अपने सीने का जब बच्चे के सीने में मुंतकिल करती है तो सिर्फ पेट नहीं भरती, उसके सीने में जो कलमे की बरकत है वो भी मुंतकिल करती है, उसके सीने में जो अल्लाह का खौफ है वो भी मुंतकिल करती है, उसके सीने में जो इश्क़ रसूल है वो भी मुंतकिल करती है। बात खत्म करने लगा हूँ, बात बहुत ज़हन में आती है लेकिन बात खत्म करने लगा हूँ, तवज्जो करना। लोग हमसे कहते हैं मौलाना करबला समझ में नहीं आता, क्योंकि करबला के अंदर 22,000 का लश्कर एक तरफ और 72 नफूस एक तरफ। अरे 10 लोगों को देखकर आदमी की टांगे कांपने लगती है, लेकिन मौला हुसैन की जुरत क्या थी मौलाना कि 22,000 के लश्कर के सामने वो बंदा मुस्कुरा रहा था और उसके बाद लश्कर के सामने मुस्कुराना तो समझ में आता है, फिर नन्हे मासूम का जनाजा उठाकर भी उनको कोई तकलीफ नहीं, 18 साल के जवान बेटे का लाशा उठाकर भी कितना मजबूत सीना था जिसे हुसैन कहते हैं। एक बंदे ने पूरे दीन की असास को अपने कंधे पे उठा के बचा लिया, वजह क्या है? इसलिए कि ये सारी चीजें देख के नहीं लगता कि कोई इंसान इतना हिम्मत वाला हो सकता है, कोई इंसान इतना ताकत वाला हो सकता है, कोई इंसान इतना जरी और बहादुर हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा तूने, अगर इमाम हुसैन के बारे में तो ये बात कह रहा है, किसी और के बारे में कहता तो मैं भी इनकार कर देता। इंसान के बस में नहीं इतनी जुरत, इंसान के बस में नहीं इतनी हिम्मत, इंसान के बस में नहीं इतना हौसला। एक बेटे का लाशा उठा ले तो आदमी के पैर कांपने लगते हैं, जिसने 72 जनाजे उठाए उसके बाद भी जमीर का सौदा ना किया वो हुसैन इब्ने अली है, तो क्या वजह क्या? हुसैन में क्या खुसूसियत थी? क्या वो इंसान न थे? क्या वो मर्द न थे? क्या वो जमीन वालों में से न थे? मैंने कहा तूने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, वो इंसान भी थे, मर्द भी थे, जमीन वाले भी थे, लेकिन उनकी खुसूसियत इतनी है कि उनको दूध पिलाने वाली कोई ऐरी गैरी नहीं थी, बल्कि नबी की वो शहजादी थी जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, नबी के जिगर के टुकड़े ने जिसे दूध पिलाया हो उसमें ये जुरत पैदा ना होगी तो फिर किस में होगी? इसलिए कि माँ सिर्फ दूध नहीं पिलाती, जुरत भी पिलाती है, हिम्मत भी पिलाती, कुवत भी पिलाती, तकवा भी पिलाती, परहेजगारी भी पिलाती है। अगर माएं मुत्तकी हो जाएं तो इस्लाह माशरा के जलसे खत्म है, कोई जरूरत ही नहीं इस्लाह माशरा के जलसों की, माँ मुत्तकी हो जाए। बस बात समेटते वैस करूं, लोग कहते हैं देखो आज 33, 33, 35, 35 साल के हट्टे कट्टे होके रोजा नहीं रखते, और क्या कहते हैं मौलाना गुलाम ही रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा मौत कबूल है, रोजा क्यों नहीं रखता? रोजा नहीं रखता रमजान शरीफ में? रमजान उल मुबारक के रोजे का हाल ये, एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया, पूरी जिंदगी रोजा रखेगा रमजान शरीफ की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। रमजान शरीफ के रोजे, रमजान शरीफ नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। अब आप कहें यार ये 33, 35, 35 साल के नतीजे क्यों नहीं रखते? कहा मौलाना भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ, लेकिन गुटके की जो आदत है ना, इसलिए गुटके के बगैर नहीं रह सकता, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता, हुक्के के बगैर नहीं रह सकता, बीड़ी के बगैर नहीं चलता अपने को। मैंने कहा मक्कारी की भी हद होती है मेरे अजीज, नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करते हो, 12-14 घंटे गुटका नहीं छोड़ सकते नबी और अल्लाह की मोहब्बत में, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, और अगर नहीं छोड़ोगे रोजा नहीं रखोगे तो हदीस पाक है जबड़े जहन्नम में आग की कैंची से काटे जाएंगे। 30, 35, 37 साल की उम्र के होके रोजा नहीं रखते और ईद की तैयारी 2 महीने पहले से करते हैं, ईद उसकी नहीं है जिसको शव्वाल की पहली तारीख मिल गई, ईद तो उसकी है जिसने रमजान शरीफ में अल्लाह की इबादत करके मगफिरत हासिल कर ली, ईद उसकी नहीं है जिसको नए कपड़े मिल गए, ईद उसकी नहीं है जिसको नए जूते मिल गए, उनके लिए तो वही ईद है अगर उन्होंने अल्लाह को राजी ना किया तो। लेकिन मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुबुल अख्ताब गौसुल अगवास कयासुल कौनैन गौसुल आलमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए 29 शाबान को, दूसरे ही दिन पैदा होते ही रोजा रख। कौन से मुकर्रर से सुना था, कौन से उस्ताद से सुना था रोजे की फजीलत?
पहले ही दिन वॉश पाक का जश्न मना रहे हो ना, कादरी हो ना, मुझे बताओ सरकार कौशियत माफ। 29 शाबान को पैदा हुए, रमजान शरीफ को रोजा रखा, सुबह सादिक से लेके गुरूब तक दूध नहीं पिया, गुरूब आफ्ताब के बाद दूध पिया। ये लोगों को हजम नहीं होता, कहते ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, अगर माँ उम्मुल खैर जैसी मुत्तकी हो तो हो सकता है, बाप अबू साले जैसा हो तो हो सकता है। हाँ रखा। अच्छा एक दिन नहीं, पूरे रमजान शरीफ भर सुबह सादिक से ग्रुप तक दूध नहीं पिया। दूसरे साल वो भी दूध पीने का साल था, चांद में इख्तलाफ हो गया कि 29 को निकला कि 30 को निकला, उलमा में इख्तलाफ हुआ, तो उलमा ने मशवरा किया एक काम करें, नकीबुल अशराफ सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर एक बच्चा पैदा हुआ ना पिछले साल, उसने पूरा रमजान शरीफ भर दूध नहीं पिया सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक। अब चांद पर इख्तलाफ हो गया कि हुआ कि नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं उन्हीं के घर चलते हैं और देखते हैं उनका बच्चा अगर दूध पी रहा है समझ लो 30 शाबान है, और दूध नहीं पी रहा है समझ लो रमजान शरीफ शुरू हो गया। ये गौसियत, ये सुन्नियत, ये कादरियत, हम कहां है गौर कीजिए। और अगर गौर नहीं करते तो फिर जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए कि बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, कुरान का फैसला है, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और गुनेगारों के लिए जहन्नम है। अगर पाप करते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जहन्नम से बचा नहीं सकती। याद रखना, जब नबी का बेटा अपने करतूत की वजह से जहन्नम में जा सकता है, हम कौन है? नूह अलैह सलाम का बेटा अपने करतूत की वजह से वो जहन्नम में गया और जाएगा, हम कौन है? अल्लाह से डरो, कल से हो सकता है या परसों से रमजान शरीफ शुरू हो जाए, तौबा करो। जब तक जिंदगी है तौबा का दरवाजा खुला है, मौत आएगी तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। फिरौन ने डूबते डूबते कहा था मैं ईमान लाया, अल्लाह ने कबूल नहीं किया क्योंकि टाइम जा चुका था, इससे पहले कि अपना टाइम भी चला जाए तौबा कर। एक बात याद आ गई, आखिर में पेश कर दूं, टाइम तो खत्म हो गया मेरा, लेकिन तवज्जो, टाइम खत्म हो सकता है आपका भी, तौबा का खत्म हो सकता है, मरने से पहले तौबा। मेरी बहनों से भी कहता हूं, बहुत दिन नहीं जीना है मेरी बहनों, हमसे पहले हमारे बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, सब चले गए। जो औरतें हल्दी और चंदल से नहाती थी आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं, उनकी हड्डियों को भी मिट्टी खा चुकी है। लेकिन जिस सैयदा फातिमा की चादर पर 17 पेवन थे, आज भी उस फातिमतुज़ ज़हरा का नाम जिंदा है। जुमा के दिन जब तक खतीब उनका नाम नहीं लेता खुतबा मुकम्मल नहीं करता, क्यों? महलों में रहने वाली को भूल गए, 17 पेवन वाली को अभी तक याद रखा, क्यों? क्यों? मेरे आका फरमाते मेरी बेटी सैयदा ने वो तकवा इख्तियार किया कि अल्लाह ने कयामत तक उसकी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दी। किसी का नसब काम आए ना आए, सैयदा फातिमा का नसब जरूर काम आए। इल्ला नसबी व सबबी कहकर जो अपने नसब की बात की है ना अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने, तो हुजूर अलैहि सलाम का नसब को आका फरमाते फातिमा की औलाद का नसब भी मैं हूं, उनका सबब भी मैं हूं। तवज्जो करो, तो मौत से पहले तौबा। कान खींचना, गाल पीटना नहीं, अल्लाह से वादा करो, रोजा रखोगे, नमाजें पढ़ोगे, गुनाह छोड़ दो, गंदी फिल्में देखना छोड़ दो, गंदी सीरियलें देखना छोड़ दो, अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो, उन्हें नेक बनाओ, पारसा बनाओ, मुत्तकी बनाओ, पर्दा करो। इसलिए कि जहन्नम में बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी बहन, तुझे कोई डांट दे तो तेरे पटपट आंसू निकलने लगते हैं, वो बिच्छुओं का डंक मेरी बहन तुम कैसे बर्दाश्त करो, मेरे भाइयों तुम कैसे बर्दाश्त करो। तो शरहु सुदूर में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, जिसको मैं इख्तितामी तौर पे खुलासे के तौर पे पढ़ दूं मफहूम के तौर। एक बादशाह था, इमाम सुयूती लिखते एक बादशाह था, बड़ा मगरूर, बड़ा दौलतमंद, बड़ा मालदार, दौलत पाकर, जवानी पाकर, माल पाकर, सल्तनत पाकर घमंडी हो गया, अल्लाह को भूल गया, जैसे हम अल्लाह को भूल रहे हैं वो भी अल्लाह को भूल गया। एक दिन उसने कहा मेरे लिए ऐसे कीमती कपड़े लाओ कि इतने कीमती कपड़े किसी के पास ना, मेरे लिए ऐसी उम्दा सवारी लाओ, ऐसी उम्दा सवारी किसी के पास ना,
और फिर सब लोग मेरे एहतराम और इज्जत में खड़े हो जाओ और सब सर झुका के खड़े रहें, कोई मुझसे बात ना करे, ताकि लोग मेरी सतवत, मेरी हैबत, मेरा दबदबा देखें। कपड़े पहनाए गए, सवारी लाई गई, दो सफों में लोग खड़े हो गए हाथ बांध के। बादशाह पूरे घमंड के साथ गर्दन को अकड़ा कर जैसे सवारी का कदम आगे बढ़ाने लगा, अकड़ो मत, जवानी के घमंड में मत अकड़ो, सजदा करो। दौलत के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज मत करो, झुक के रहो, इबादत तौबा को कल पे मत डालो, अभी करो। सुधरना है तो अभी सुधरो, बदलना है तो अभी बदलो, वरना मौत की आखिरी हिचकी कब्र की वादी तक ले जाएगी। उस वक्त तो तौबा का मौका नहीं मिलेगा, दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह, जहन्नम का ईंधन बन जाओगे, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलमानों। अल्लाह की पनाह तलब करो। मेरे आका इस्लाम ने यही तो कहा, रमजान शरीफ के चार अमल खास है तुम्हारे लिए, दो को तो तुम करके अल्लाह को राजी कर सकते हो और दो से तुम बेनियाज नहीं हो। जिस दो से तुम अल्लाह को राजी कर सकते हो रमजान शरीफ में, कलमा तैयबा की कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, इस्तिग़फ़ार करो ज्यादा से ज्यादा, और जहन्नम की आग से पना मांगो और अल्लाह की बारगाह में जन्नत का सवाल करो। नहीं, जन्नत का कुछ लोग कहते हैं हमें जन्नत से क्या लेना, हम तो आशिक़े रसूल हैं। मैंने कहा वो जन्नत ही में हुज़ूर मिलेंगे। हाँ, हुज़ूर जन्नत ही में मिलेंगे। हुज़ूर ने जन्नत तलब की है तालीम उम्मत के लिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिदाका वल जन्ना, हुज़ूर ने तलब किया जन्नत। इसलिए जन्नत का मजाक मत उड़ाया करो। वो बड़े आशिक लोग थे जिसे राबिया वगैरह कहते हैं ना, हजरत राबिया बसरी जिन्हें कहते हैं, वो उस मंजिल पे थे मेरे भाई, हम तो वहां उनके दरवाजे पर नहीं है। उन्होंने जला दिया था इश्क में अपने आप को, उनको वो बातें ज़ेबा थी, अपनी हैसियत के मुताबिक हम बातें किया करें। इसलिए कि जो बात अब्बा कर सकते हैं वो बात हम नहीं कर सकते। अब्बा अम्मी को नाम लेके बुलाने तो उनका हक है, हम नाम लेके बुलाएं तो बेअदब है। ऐसे ही जन्नत के बारे में जिन्होंने कहा ना, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूवे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर, वो उनको हक था, हमें नहीं है। हमें तो कलमे का तर्जुमा भी नहीं पता है, हमारा खात्मा बिल खैर हो जाए और हम बराबर सराबर छोड़ दिए जाए तो भी हम कामयाब है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें न किया करो, बड़ों को ज़ेबाए बड़ी बातें। हाँ, अब्बा मामू को साले साहब कह के बुलाएं तो उनको हक है, हम भी वही बात करें तो बेअदब है कि नहीं है। इसलिए अपनी हद पहचानो। हाँ, बड़ों को देख करके बड़ी की तरह फिर बड़े बन जाओ तो अलग बात है, बड़े बन जाओ तो अलग बात है। बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, जन्नत का मजाक ना उड़ाया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत मांगू अल्लाह से, और मैं तो आपको एक और बात बता दूं कि जन्नत मांगो अल्लाह से और हुजूर के पड़ोस में मांगो। ए अल्लाह, तेरे महबूब के पड़ोस में जन्नत, और अल्लाह तो है बड़ी जात, उसको देने में क्या है, है? उसको मांगो, उससे यकीन से मांगो, महबूब के साथ जन्नत दे, पंजतन के साथ जन्नत दे। और एक बात आगे चलिए बोली दूं, पंजतन के साथ जन्नत मिलना बहुत आसान, बहुत आसान। तरीका बता दूं, बताऊं तरीका, किसको किसको सुनना है जी? पंजतन पाक के साथ की जन्नत की, माशाल्लाह, सुनना सबको है, अमल कितनों को करना है, सुभान। अब सुनो तिर्मिजी शरीफ की हदीस, पंजतन के साथ जन्नत मिलेगी। तिर्मिजी शरीफ, आका फरमाते हैं, तवज्जो, आका फरमाते हैं, ऐ फातिमा मैं और तुम, ऐ फातिमा, आका क्या फरमाते हैं, मैं और तुम, अली हसन हुसैन यानी पंजतन, पंजतन हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे। आका ने क्या फरमाया, हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे, हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे। तो सैयदा का दरियाए करम जोश में आया, उसकी बाबा हम तो साथ रहेंगे लेकिन जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो कहां रहेंगे। वो फरमाया फातिमा, जहां हम रहेंगे वही हमसे मोहब्बत करने वाले भी रहे। अब जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो नमाज छोड़ेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो शराब को हाथ लगाएगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो जिना के अड्डे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सब तो यजीदी कारनामे हैं।
ये तो यजीदी करन, पहले वैसे मोहब्बत करने वाला ये काले करतूत नहीं कर सकता, बल्कि वो तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करोगे उनके साथ जन्नत में रहोगे, मांगो उनके साथ जन्नत। तो अर्ज कर रहा था वो बादशाह घमंड की वजह से सीना तान कर गर्दन अकड़ा कर जैसी सवारी आगे बढ़ाने लगा, एक बुजुर्ग है, रुको सवारी रोको रोको, तुमसे एक बात करनी है। उसने अकड़ कर कहा कौन है तू, कहा वहीं रुक जा वहीं रुक जा, तुझसे बात करनी है। क्या बात करनी है, कहा बात करनी है रुक। उसने रोक ली सवारी, इतनी हैबत थी आवाज में, रोक ली सवारी, कहा गर्दन नीचे कर। सब खड़े थे पूरा मजमा, दो कतार लगा करके इज्जत और एहतराम करने खड़े थे, कहा गर्दन नीचे कर। कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूं, इतना ही काफी है, गर्दन क्यों नीचे कर। कहा गर्दन नीचे कर, मैं तेरे कान में बात कहूंगा। आवाज में इतना रोप था उसने, गर्दन नीचे कर, मुझे पहचानता है मैं कौन हूं, नहीं पहचानता। कहा मैं तेरी मौत हूं, मौत का फरिश्ता हूं, तुझे लेने आया, चल तेरा टाइम हो गया है। अब लरस गया मौत का नाम सुन के, कहा मुझे चंद मिनट की मोहलत दे दो, अल्लाह को राजी कर लूं। कहा तू भी बंदा मैं भी बंदा, तूने अल्लाह की नाफरमानी की, मैं नाफरमानी नहीं कर सकता। उसने मुझे हुक्म दिया है तुझे लाने के लिए, मैं तो तुझे लेके जाऊंगा। मैं अपनी मर्जी से किसी को ना एक मिनट दे सकता हूँ, ना एक मिनट पहले रू कब्ज कर सकता हूँ। वक्त आ गया, चलो अब टाइम नहीं, अल्लाह ने बहुत टाइम दिया था, तूने उसको जाय कर दिया। और फिर जो पूरे गरूर के साथ सवारी पर बैठा था, उसका लाशा जमीन पे जिल्लत के साथ तड़प रहा था। लोगों ने ये इबरतनाक मंजर देखा, दौलत के, जवानी के, हुस्न के नशे में डूबने वालों, कहीं हम भी लोगों के लिए इबरत न बन जाएं। इसलिए सच्ची तौबा करके अल्लाह रसूल की तरफ पलट आओ। दुनिया में आए हो दोनों में से कोई एक मंजिल चुनने के लिए, या तो जन्नती बनो या तो जहन्नमी बनो। कोशिश करना अपना काम है, फिर उसके कर्म की बात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।